Germany, Europe's biggest economy, has entered recession. Germany's economy has been the envy of Europe for decades, but no longer. The country is now officially in recession. It's time to worry about Germany's economy. The country's economic golden age could be coming to an end. But according to many experts, Germany could be on the verge of facing one of the worst economic crises in recent history. Germany set to enter recession in 2023 with 0.4% decline in GDP. The German economy, which is the backbone of the European Union, is already reeling under sky-high inflation. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप. आज इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे. कुछ जो है वो दीपक आपको बताएगा, कुछ जो है वो मैं बताऊँगी. तो वीडियो एंड तक देखना क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी. कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या वीडियो में होगा. वीडियो में ये होगा बिकॉज इट्स अ रिसेशन टाइम, तो क्या रिसेशन है जर्मनी में. सेकंड थिंग इज़ क्या आपको इस टाइम पे यहाँ पर आना चाहिए. थर्ड थिंग इज़ लोगों को जॉब भी मिल रही है इंडिया से, फिर भी लोग प्रोविजन पीरियड जो है वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं. उसके क्या रीज़न है, उससे आप लोग कैसे बच सकते हैं. एंड एट द एंड कुछ हमारी एडवाइस जो ऑफ कोर्स हम आपको देंगे जिससे आपकी जो लाइफ है जर्मनी में स्मूथ हो पाएगी अगर आप वहाँ से यहाँ पर आने का डिसीज़न लेते हैं इस ईयर या नेक्स्ट ईयर. तो वीडियो में यही सब कुछ होगा. तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करें वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आती हूँ अबाउट रिसेशन एंड इन्फ्लेशन. ऑफ कोर्स आपने भी बहुत सारी न्यूज़ पे देखा होगा, बहुत सारी जगह पढ़ा होगा जर्मनी में रिसेशन है. और वन ऑफ द कंट्री जो मेजरली इफ़ेक्ट कर रही है रिसेशन में वो है जर्मनी. हाँ, जर्मनी में जो रिसेशन है वो बहुत ही हाई है इस टाइम पे. उसी के कारण ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन भी हम देख रहे हैं. लास्ट ईयर जो इन्फ्लेशन भी हो गया है उसका भी मेनली रीज़न तो यही था, एक तो कोरोना की वजह से, पैंडेमिक जो हुआ था उसकी वजह से, एंड सेकेंडली जो यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ था उसकी वजह से. ये दोनों की वजह से यहाँ पर जो मार्केट की कंडीशन है या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्या इफ़ेक्ट कर रही हैं, क्या आपको यहाँ पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, वो हम बताते हैं. तो हाँ, फर्स्ट आंसर, लाइक फर्स्ट क्वेश्चंस जो आप लोगों के मन में है, क्या रिसेशन है? हाँ, रिसेशन है. बट इफ़ यू आस्क मी कि क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर नहीं है, तो उसके लिए आपको वीडियो जो है वो एंड तक देखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग आपको कुछ टिप्स बताएंगे, कुछ चीज़ें शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंस से जिससे आपको क्लियर होगा कि यहाँ पर आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या फिर जॉब्स जो हैं वो अप्लाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. क्योंकि इसका एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है कि क्या आपको इस टाइम पे यहाँ पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए. ओके, तो जैसा सुरभि ने बोला, अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो एक्चुअल में क्या है. तो जो प्रोबेशन पीरियड जर्मनी के अंदर है वो ना थोड़ा सा डिफरेंट है कम्पेयर टू जो हम इंडिया में जिसके हम यूज टू हैं. स्पेशली अगर मैं अपनी भी बात करूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है प्रोबेशन पीरियड को लेकर इंडिया में, वो हम उतना उस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं और जनरली लोग प्रोबेशन पीरियड में फायर नहीं होते इंडिया के अंदर, क्योंकि आप इंटरव्यू प्रोसेस में ही इतने ज़्यादा रोस्ट किए जा चुके होते हैं इंडिया में कि वो वहीं पे जज कर लेते हैं बंदा काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. जबकि यहाँ पर प्रोसेस थोड़ी डिफरेंट है, यहाँ पर इंटरव्यू प्रोसेस उतनी ज़्यादा रोस्टिंग नहीं होती जितनी इंडिया में होती है. अगर आप यहाँ पर अपने प्रोफाइल में कुछ भी मैंशन करते हैं तो ये लोग उसको एज्यूम करते हैं कि आपको ये चीज़ आती ही होगी इसीलिए आपने उसको मेंशन किया हुआ है. जबकि हमारी आदत है कि हम थोड़ा दो चार चीज़ें बढ़ा चढ़ा के ही लिखते हैं प्रोफाइल्स में. हमारे प्रोफाइल सबसे लंबे होते हैं इंडियंस के, जो मैंने अभी तक जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है. तो प्रोबेशन पीरियड पे वापस आते हैं, तो जर्मनी में क्या लोग प्रोबेशन पीरियड पे फायर हो रहे हैं? हाँ, ये सच है, ये चीज़ अभी हो रही है. कितनी हो रही है, इस चीज़ को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि अभी सिनेरियो क्या है, सिचुएशन क्या चल रही है. तो जैसे सुरभि ने बोला, रिसेशन वो एक कारण डेफिनेटली है आज के टाइम पे प्रोबेशन पे लोगों के फायर होने का. और ये दो तरफा चीज़ होती है प्रोबेशन, कंपनी पे भी डिपेंड करती है और जो बंदा है जो रिक्रूट हुआ है उस पर भी डिपेंड करती है. कई बार ऐसा सिचुएशन होती है कि कंपनी उस सिचुएशन में आ जाती है कि उन्हें लगता है यार हमें ये प्रोफाइल की ज़रूरत नहीं है, या फिर हम अननेसेसरी एक्सपेंड कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, हम इसको अवॉइड कर सकते हैं. तो वो प्रोबेशन पीरियड का भी आजकल फ़ायदा उठाकर लोगों को फायर कर रहे हैं. तो कई ऐसे स्किल्ड लोग हैं जिनको जिनके साथ अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा है. फिर दूसरी तरफ बात करते हैं लोगों की, कई बार लोग भी आप अपने प्रोफाइल में वो चीज़ें मेंशन कर देते हैं जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाते बाद में, क्योंकि उन्होंने मान के चलो आपने कोई स्किल मेंशन की और आप उसको नहीं इंप्लीमेंट कर पा रहे हो. तो वो 6 महीने एक्चुअल में प्रोबेशन का मतलब है जजमेंट. वो आप 6 महीने प्रॉपरली जज किए जाओगे आप आपके प्रोफाइल के बेसिस पे, आपके काम के बेसिस पे, आपकी स्किल के बेसिस पे. और अगर आप उसमें कहीं ना कहीं शॉर्ट पड़ रहे हो तो फिर बहुत हाई चांसेस हैं कि आप प्रोबेशन पीरियड से
फायर कर दिए जाओगे। और जो रिसेंट डेटा है लास्ट ईयर का, उस डेटा के हिसाब से 25% लोग यहाँ पर जर्मनी में अपना प्रोबेशन पीरियड क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो 25% बहुत बड़ा नंबर होता है। मैं अज्यूम करता हूँ कि जो वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने इंडियंस हो गए या अपने एशियन लोगों के लिए जिनको ये चीज़ समझ में आती है, वो थोड़ा हसलर रहते हैं, वो हसल कर लेते हैं, चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। पर कई बार 10% सिचुएशन ऐसी भी होती है कि वो आप ऐसे ऐसे स्किल्स ऐड कर देते हो और फिर वो उस चीज़ को जस्टिफाई करना मुश्किल होता है। तो प्रोबेशन पीरियड को यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना है, मतलब वो आपका एक तरह से इंटरव्यू प्रोसेस ही है 6 महीने की एक्सटेंडेड। हर दिन को आपको सीरियसली लेना है, बिल्कुल लाइटली नहीं लेना, क्योंकि सिचुएशन का कुछ पता नहीं कब क्या हो, स्पेशली आज के टाइम पर। तो ये एक चीज़ हुई। और काफ़ी सीनियर प्रोफाइल पर भी लोगों को प्रोबेशन पीरियड से फायर कर दिया जाता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर स्किल सेट पे वो जाके फिट नहीं हो पाते हैं बाद में। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरा रीज़न ये भी है कि कंपनीज़ को कई बार हम सोचते हैं यार कि थोड़ा बहुत एक आध प्रोफाइल, मतलब एक आध स्किल में कोई बंदा कम रह गया तो उसको ट्रेनिंग दे के आप इम्प्रूव कर दो। पर यहाँ पर ट्रेनिंग भी इतनी एक्सपेंसिव होती है कि कई बार कंपनीज डिसाइड करती हैं कि रेदर देन उन्हें ट्रेन करने से बेटर है कि एक बिल्कुल मतलब उस स्किल सेट को मैच करता हुआ 100% बंदा लेकर उसे रिप्लेस कर दिया जाए। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है प्रोबेशन पीरियड पर लोगों के फायर होने का। और आजकल ये चीज़ें हमें इसलिए ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, फर्स्ट ऑफ कोर्स जैसा कि सुरभि ने बोला रिसेशन है, दूसरा कि हमारी जो मतलब इंडियन कम्युनिटी की अगर मैं बात करूँ तो आजकल लोग ओपनली आके पोस्ट करने लगे हैं ये चीज़ें जो पहले नहीं करते थे इतना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर। तो वो भी एक है, उससे भी लोगों को पता चलता है। और अगर मैं बात करूँ कि क्या है, मतलब इतनी बुरी सिचुएशन है तो ऐसा भी नहीं है, मतलब ये नहीं है कि 10 में से 9 लोग प्रोबेशन में फायर हो रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। 10 में से 1 आध लोगों के साथ ये चीज़ हो रही है, पर हो रही है। तो आपको उस चीज़ को बहुत सीरियसली लेना है अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली। और मैं बोलूँगा अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्किल पर कोई जॉब ऑफर मिला है तो आप उस पर प्रॉपरली काम कीजिए, 6 महीने तक आप रेडी रहिए कि आपका हर दिन टेस्ट है। तो ये हुई प्रोबेशन पीरियड की बात, अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपको लगेगा अरे यार ये हम नहीं कर सकते हैं, बट ये आपको करना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पर एक अच्छी लाइफ चाहिए या फिर आप एक रिस्क लेके इंडिया से यहाँ पर मूव कर रहे हैं। अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, लाइक आपको वर्क परमिट मिल जाता है किसी कंपनी से और आपको लगता है कि यार ये मेरे लिए फिट नहीं बैठता या इस पर मैंने पहले काम नहीं किया या फिर उस पर्टिकुलर प्रोफाइल में जो चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको नहीं आती, तो आप उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड नो बोल दो। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दीपक ने जो चीज़ें बताई वहाँ पर आपको टेस्ट रहेगा हर दिन, और जो चीज़ आपने पहले से कभी भी नहीं करी है या आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका फायर होने का चांस जो है वो बढ़ जाएगा। अगर आपको लगता है आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो आपके लिए बहुत इजी है और आपको हर दिन जो है मज़ा आने वाला है, हर दिन आप बहुत अच्छा काम करोगे, तो ऑफ कोर्स आपको हाँ कर देना चाहिए और आपके फायर होने के भी चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, अनटिल एंड अनलेस या तो कंपनी की ही लुटिया डूब गई हो या कोई और कारण हो, इसके कारण से ही आप जो है वो फायर होंगे, उसके अलावा और कोई भी रीज़न नहीं होगा कि आपको कंपनी फायर करे। द अदर थिंग इज़ बहुत बार ऐसा भी होता है कि जर्मन रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप यहाँ पर आते हो, अदर देन सॉफ्टवेयर या आईटी फील्ड की बात कर रही हूँ, उस केसेस में भी वो एक कहीं ना कहीं चीज़ हो जाती है कि यार जर्मन आती तो शायद आपके चांसेस जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते। तो मैं वो भी बोलूँगी, ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो लॉज हैं इमिग्रेंट के लॉज हैं, जैसे हमने पहले एक वीडियो बनाया था अपॉर्चुनिटी कार्ड के ऊपर, ठीक है, इसके अलावा सिटीज़नशिप के ऊपर भी एक नया लॉ आया है, आने मतलब ड्राफ्ट लॉ है बट वो अप्रूव हो जाएगा नेक्स्ट ईयर तक, और भी बहुत सारे ऐसे लॉ हैं जो इमिग्रेंट फ्रेंडली लॉज हैं जिससे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर लोगों को बुलाने के लिए ये लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं एंड दे वांट कि लोग यहाँ पर रुकें, यंग पीपल रुकें और यहाँ पर काम करें लंबा। पर ऑफ़ कोर्स जर्मन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसी के लिए मैं आप लोगों को बोलूँगी अगर आप सीरियसली ऐसा देख रहे हैं कि जर्मनी इज़ वन ऑफ द कंट्री जिसमें आपको काम करना है तो जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग, लाइक जर्मन सीखना स्टार्ट कर दो और नेक्स्ट ईयर तक कुछ ऐसे लॉज आ जाएंगे हम लोगों के लिए जिससे आपकी लाइफ जो है वो जर्मनी में ईजी हो जाएगी, प्लस आप भी प्रिपेयर हो जाओगे जर्मन लैंग्वेज के साथ, प्लस और भी जो चीज़ें हमने आपको वीडियो में बताई कि आपको क्या प्रोफाइल को हाँ करना चाहिए एंड कौन सी जॉब को हाँ करना चाहिए और कौन सी जॉब को ना करना चाहिए। अब मैंने जो आपको बोला था कि मेरे पास इस चीज़ का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, क्या इज़ दिस राइट टाइम टू कम टू जर्मनी जॉब के लिए, तो मैं उसके बारे में कुछ आप लोगों को बताती हूँ।
ऑफकोर्स यहाँ पर अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स देखोगे या जहाँ पर भी देखोगे वीडियोस देखोगे, यहाँ पर बहुत सारी वैकेंट जॉब हैं. अराउंड 2 मिलियन वैकेंट जॉब है जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स में हैं, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में हैं. कुछ स्पेसिफिक मैं आपको बता देती हूँ, जो बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं, मतलब मोस्ट ऑफ़ द कंपनीज़ जो हैं वो IT की तरफ मूव कर रही हैं. टेक्नोलॉजी में जो हैं दे वॉन्ट टू बी बेस्ट. इसकी वजह से यहाँ पर टेक्नोलॉजी फील्ड में, फॉर एग्ज़ाम्पल IT फील्ड में, सॉफ्टवेयर फील्ड में जो है वो रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है. द गुड थिंग इज़ उसमें आपको जर्मन लैंग्वेज की भी ज़रूरत नहीं है. आप इंडिया से यहाँ आ सकते हैं और जॉब स्टार्ट कर सकते हैं. ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं. नाउ द थिंग इज़ कि आपको अपना रिसर्च करना पड़ेगा कि उन जॉब्स में से आप जिस एप्लीकेशन पे काम करते हो उसकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर या नहीं है. द सेकेंड थिंग इज़ शेफ्स, नर्सेज. नर्सेज की यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उसके लिए. देन इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, इन सब की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. बट आपको मैं एक वेबसाइट बता देती हूँ जो कि है मेक इट इन जर्मनी, जिसमें अगर आप डालोगे कि किस पर्टिकुलर फील्ड में आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको सारी वैकेंसीज दिखाने लगेगा कि जर्मनी में कितनी वैकेंसीज हैं. तो आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी कि वेदर आपकी पर्टिकुलर, आप जहाँ जॉब ढूंढ रहे हो वो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है या नहीं है. दिस इज़ द बेस्ट वे टू आंसर वेदर यू हैव टू कम, लाइक आप जर्मनी इस टाइम पर आ सकते हो या नहीं. बट ऑफकोर्स जर्मन इज़ इम्पॉर्टेंट अदर देन IT एंड टेक्नोलॉजी फील्ड वाले लोगों के लिए. एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि आपको देखना पड़ेगा इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे कि क्या यहाँ पर आपके डोमेन की या आप जहाँ पर काम करते हैं या आपको जिसका वर्क एक्सपीरियंस है उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है. तो दिस इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको ऐसी जॉब लेनी है जिसमें आपका प्रोविजन पीरियड में क्लियर करने के चांसेस जो हैं वो 100% हों. ओके, तो जैसा हम अभी तक बता रहे हैं आपको सिचुएशन क्या है करंट. एक और फैक्टर है कि जब आप इंडिया से यहाँ पर जॉब ले रहे हो तो मोस्टली जितने भी इंडियंस हैं जो कि IT सेक्टर में या इंजीनियरिंग करके आते हैं, जनरली ब्लू कार्ड वीज़ा पर ही आते हैं. और ब्लू कार्ड वीज़ा पर अगर आपकी जॉब चली जाती है, आपको प्रोबेशन पीरियड में फायर कर देते हैं या किसी भी रीज़न से आपकी जॉब चली गई, तो आपके पास सिर्फ 3 महीने का टाइम होता है दूसरी जॉब के लिए. और 3 महीने एक्चुअल में जर्मनी में काफ़ी कम है. 3 महीने में ये मान लो आप कुछ भी नहीं है यहाँ पर दूसरी जॉब ढूंढने के लिए. कई बार मिल जाती है पर मोस्टली बड़ा मुश्किल है उस पीरियड में जॉब ढूंढना. तो आप बड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिए कि अगर आप कोई बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं उसे छोड़कर यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप पूरी तरह रेडी होकर आइए हर सिचुएशन के लिए. ये बात इसलिए नहीं है कि मैं डराने के लिए बता रहा हूँ, पर मैं दोनों तरफ की सिचुएशन बताना चाहता हूँ कि क्या हो सकता है. ऑब्वियसली ये हर किसी के साथ नहीं होता, ये बड़ा वन से मतलब रेयर केस होते हैं ऐसे, पर ऐसा भी होता है. तो उस सिचुएशन से बचने के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करो. कई बार कुछ केसेस में आप गवर्नमेंट अथॉरिटीज से काम कर मतलब बात करके अपना 3 महीने की जगह 6 महीने भी करवा सकते हैं, पर उससे ज़्यादा बड़ा मुश्किल होता है. तो ये भी एक फैक्टर है ध्यान में रखने के लिए बिफोर यू मेक अ डिसीजन कि मुझे मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जर्मनी कुछ पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए या कुछ उस पर्टिकुलर जॉब के लिए. आई होप आप लोगों को, हम लोगों ने करंट जर्मनी की जो रियलिटी है वो बताई हो और आप लोगों को बहुत ही क्लियर हुआ हो कि क्या डिसीज़न आपको लेना चाहिए. ऑफकोर्स सबके केसेस जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. ऑफकोर्स अगर आपका कोई पर्टिकुलर केस है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वी विल लुक इन टू दैट. और अगर उस पर कुछ वीडियो बन सकता है या हम अपने कुछ कमेंट्स दे सकते हैं तो वी विल बी हैप्पी टू शेयर विथ यू आर एक्सपीरियंस. अदर देन दैट यहाँ पर और बहुत सारे लॉज हैं जो उन लोगों के लिए वेलकम करेगा जो बहुत ही यंग एज में हैं, जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन भी नहीं करी. बट बिकॉज अभी उसका कोई कन्फर्मेशन नहीं है, तो जब ऐसा कुछ होगा तो ऑफकोर्स हम लोग वीडियो जो हैं वो इस चैनल पर लेके आएंगे आप लोगों के लिए. तो जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोग जो हैं अभी जितने भी नए लॉज आएंगे या जो भी जर्मनी की रियलिटी है हम लोग आपको बताते रहेंगे, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सब कुछ जो है वो टाइम टू टाइम पता चल जाए. एंड यू डू नॉट मिस द टाइम एंड योर एफर्ट्स, मतलब राइट टाइम पर राइट एफर्ट्स लगाने में ही जो है वो अकलमंदी है. तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप जो है वो टाइम टू टाइम, क्योंकि हम टाइम टू टाइम वीडियोस जो है इस चैनल पे लाते रहते हैं जो कि आपको हेल्प करे. बाकी वी होप ये वीडियो आपके काम का हो. आपका भी कोई फ्रेंड यहाँ आया है इंडिया से और वो प्रोविजन पीरियड में फायर हो गया है, तो नाउ यू नो दैट क्यों, क्योंकि प्रोविजन पीरियड जो है वो सिर्फ एक ट्रायल पीरियड होता है. और ऑफकोर्स रिसेशन, इन्फ्लेशन और बिकॉज ऑफ लोगों का कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर भी जो है वो कम हो गया, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही है जर्मनी में, बहुत कुछ इफेक्ट कर रहा है. तो यही रीज़न है. बाकी हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक.
share and subscribe, and of course press the bell icon.